रिसाली डीपीएस स्कूल से कुछ मीटर दूर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े फल ठेला संचालकों के कारण प्रतिदिन सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। आवाजाही करने वाले लोग सड़क पर वाहन पार्क कर फल ठेलों से फलों की खरीदी करते हैं, जिससे हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे फल ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों के कारण रिसाली डीपीएस स्कूल के आगे हर वक्त सड़क जाम की स्थिति बने रहती है। यहाँ फल खरीदने आए दुपहिया चार पहिया वाहनों से आए लोग सड़क पर वाहन पार्क करते हैं, जिससे सड़क अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर वाहन स्टैंड में तब्दील हो जाती है। इससे आवाजाही करते लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बने रहती है। यहाँ ज़्यादातर ठेला संचालक सड़क से काफ़ी दूर अपना ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं। कुछ फल ठेला वालों के कारण अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है, जो सड़क से लगकर ठेला खड़ा करते हैं, साथ ही नगर निगम रिसाली में अपनी पकड़ होने का दावा भी करते हैं। इस संबंध में नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि अनाधिकृत रूप से ठेला खड़ा करने वालों के खिलाफ नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको भी एक बार चेतावनी जरूर देंगे और उनको नोटिस भी जारी करेंगे। अगर आप ऐसा व्यवसाय करेंगे, किसी के बिजनेस में हम बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते, पर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, रोड के किनारे जैसे दुकान लगा रहे हो तो आए दिन दुर्घटना होती है वहाँ पर भी, तो उनको भी एक बार चेतावनी देकर उनको भी समझाइश करके अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती से उनकी भी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल सड़क के बाधित होने और भीड़भाड़ के कारण कोई दुर्घटना हो इसके पूर्व व्यवस्था को बिगाड़ रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।